हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज की दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका एग्जाम होने वाला है यूपीपीसीएस का 2024 वाला प्री का, जो समय आपका बचा हुआ है उस बचे हुए समय में इस एग्जाम की तैयारी आप कैसे करें। क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, 27 दिन आपके फरवरी के बचे हुए हैं और साथ में आपके 16 दिन बचे हुए हैं मार्च के, यानी टोटल मिलाकर के आपके पास मात्र 43 डेज का समय बचा हुआ है आपके पीसीएस एग्जाम के लिए। क्योंकि पता होगा जो इसका एग्जाम है वो आपका 17 मार्च को आपका होने जा रहा है। अब जो बात करें कैसे आपको तैयारी करनी है, सबसे पहले देखिए दोस्तों, मैं जो बताऊंगा जो बातें आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो पीसीएस का एग्जाम दोस्तों उसमें मैंने 4 बार जो पीसीएस का प्री एग्जाम जो क्लियर किया हुआ है, जिसमें से 3 बार मैंने मेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो जो भी मैं आपको बताऊंगा अपने अनुभव के साथ बताऊँ कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ, देखिए अगर आपको पीसीएस एग्जाम के लिए करंट अफेयर और जीएस के अगर कंप्लीट नोट्स आपको चाहिए, पीडीएफ नोट्स पूरा स्टडी मटेरियल, तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7042654209। ठीक है, इस नंबर पर आप मैसेज करिए, पूरा स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। कैसे मिलेगा इसके बारे में सारी जानकारी आपको इस नंबर पर दे दी जाएगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे कैसे आपको तैयारी करनी है। सबसे पहले दोस्तों आपको पता ही होगा इसमें आपके 2 पेपर होते हैं, एक आपका जीएस का होता है और दोस्तों एक होता है आपका सी सेट का। यानी दोस्तों जीएस का पेपर होता है, ये दोनों पेपर आपके 200-200 मार्क्स के होते हैं, जीएस का भी साथ में आपका सी सेट का भी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो जीएस का 200 नंबर पेपर होता है उसमें आपके 150 क्वेश्चन आपके 150 क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे जाते हैं और साथ ही आपकी 1/3 आपकी होती है नेगेटिव मार्किंग। और यहाँ बात करें सी सेट की, तो यहाँ पर 200 नंबर पेपर होता है और इसमें आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ भी आपकी 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है सी सेट के पेपर में भी। और दोस्तों दोनों पेपर में आपका 2-2 घंटे का आपको समय दिया जाता है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि जो आपका सी सेट का पेपर है उसमें मात्र आपको 33% जो अंक हैं मार्क्स वो आपको लाने होते हैं, क्योंकि दोस्तों इसके जो मार्क्स होते हैं वो आपके मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। जो आपकी मेरिट बनती है वो जीएस के पेपर के हिसाब से आपकी मेरिट बनती है, यानी आपको कोशिश करनी लगभग 95-100 क्वेश्चन कम से कम आपके सही हो जाएंगे 150 में से। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपका प्री एग्जाम क्लियर हो, ये आपकी इतनी बात हो गई। और देखिए दोस्तों, अगर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर आपका सी सेट का एग्जाम में अगर आपके 33% अंक नहीं आते हैं तो जो आपका जीएस का पेपर है उसकी कॉपी फिर आपकी चेक नहीं होती, यानी कि आप प्री एग्जाम फिर आप फेल समझे जाते हो। ठीक है, अब पहले हम बात करेंगे जीएस के लिए क्या क्या बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों जीएस में क्या क्या आपको आता है, सबसे पहले हम बात करते हैं करंट अफेयर की। तो यहाँ पर करंट अफेयर सवाल ये है कि करंट अफेयर कब से कब तक का आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर दोस्तों कोशिश करनी है आपको कि जो करंट अफेयर है आपका 1 मार्च 2023 से लेकर के लगभग आपको 20 फरवरी 2024 तक का दोस्तों जो करंट अफेयर वो आपको अच्छे से तैयार करना है। इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको जो बजट आया वो हो जाता है और साथ में जो आपकी आर्थिक समीक्षा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि आपका लेटेस्ट है, ज़्यादा पुराना आपका नहीं है, तो इतना आपको तैयार करना है। अब पढ़ना कहाँ से है, तो दोस्तों मैंने आपको पहले बताया कि मार्केट में बहुत सारी आपको मैगजीन आती हैं, कम से कम आपको 2 मैगजीन पढ़नी है करंट अफेयर के लिए। अब दोस्तों देखिए, आपके मेंस की तैयारी हुई या नहीं हुई इससे मतलब नहीं है, अब जो पूरा ध्यान है केवल वो आपका प्री एग्जाम पे अपना लगाना चाहिए। ठीक है, 2 मैगजीन पढ़नी, कौन कौन से मैगजीन आपके आती है, क्रॉनिकल आती है, घटना चक्र, घटना सार, पितृ दर्पण आपकी हो गई, ठीक है, एडिटोरिया होगी, यानी इनमें से कम 2 मैगजीन आपको पढ़नी है मंथली 1 मार्च से लेकर के। अगर दोस्तों इतना काम आप नहीं कर सकते हो तो मैंने पहले आपको बताया है कि आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, मैं करंट अफेयर के पूरे नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा पीसीएस एग्जाम के लिए। ठीक है, अब क्या आप किस तरह उसके बारे में हमें व्हाट्सएप में मैसेज, व्हाट्सएप पर आपको सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। अब दोस्तों ये तो बात होगी करंट अफेयर की, अगर आपने हमारे नोट्स पढ़ लिए करंट के अच्छे से तो उसके बाद कहीं और से करंट अफेयर पढ़ने तो आपको नहीं पड़ेगी। अगर देखिए सिर्फ आपको करंट अफेयर नोट्स चाहिए तो दोस्तों उसके लिए मात्र आपको 51 रुपये का पेमेंट आपको करना पड़ेगा, यानी कि 51 रुपये में आपको पीसीएस एग्जाम के लिए करंट अफेयर के कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे। अब दोस्तों इससे पहले जो पीसीएस आपका 2023 में हुआ था उसमें 32 क्वेश्चन करंट अफेयर से आए थे, जिसमें 24 क्वेश्चन हमारे नोट से पूछे गए थे, जिन छात्रों ने एग्जाम दिया था उनको पता होगा अच्छे से। ठीक है, उनसे आप पूछ सकते हो। ये दोस्तों बात होगी आपकी करंट अफेयर की। फिर दोस्तों दूसरा आपका आता है इसमें यूपी जीके, क्योंकि दोस्तों जो पीसीएस का एग्जाम होता है इसमें यूपी जीके बहुत ही कम क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब देखिए जो करंट अफेयर हमारा रहेगा इसमें आपका यूपी करंट अफेयर वो भी आपका इसमें इंक्लूड रहेगा। ठीक है, यूपी जीके दोस्तों एक बुक आपकी परीक्षा वाणी आती है, या दोस्तों आपकी आती है एक आती है घटना चक्र की यूपी तथा सार, इन दोनों में से किसी एक बुक को पढ़ सकते हो। अगर इतना समय आपके पास नहीं है तो आप मेरे पास मैसेज करिए, मेरे पास एक पीडीएफ है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा यूपी जीके की। ठीक है, उसको पढ़ लेना, उससे भी आपका काम हो जाएगा, 4-5 क्वेश्चन आपके आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन आपके यूपी जीके से एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। फिर दोस्तों इसके बाद आपका आता है यूपी जीके के बाद, अगर हम बात करें आपका इतिहास की, तो दोस्तों यहाँ पर इतिहास आपका 4 पार्ट में डिवाइड है, प्राचीन इतिहास आपका हो गया, मध्यकालीन आपका हो गया, और एक दोस्तों आपको हो गया आधुनिक,
और एक आपका हो गया कला एवं संस्कृति। तो दोस्तों इतना समय तो आपके पास नहीं है कि आप कला संस्कृति पढ़ो, तो चाहो तो इसको छोड़ भी सकते हो, या आपको पढ़ना है तो थोड़ा बहुत आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। नेत्र संघर्ष की बुक आती है उसमें से आपको 8-10 चैप्टर पढ़ने, ज़्यादा आपको नहीं पढ़ने होते हैं। फिर हम प्राचीन मध्य का दोस्तों बात करें, इसके लिए दोस्तों एक बुक आती है आपकी किरण पब्लिकेशन की, आपको याद होगा पहले जो आपका सीसेट का पेपर नहीं होता था उस समय पर, तो प्री में आपका जीएस के साथ साथ एक आपका ऑस्टर का ऑब्जेक्टिव पेपर होता था, ठीक है। उस समय किरण पब्लिकेशन की रेड कलर की बुक आती थी आपके इतिहास की, तो उसको आप पढ़ सकते हो प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास के लिए, इतना करना है आप काम। और फिर दोस्तों आपके आधुनिक भारत की बात करें तो इसके लिए दोस्तों या तो अगर देखिए अगर आपने स्पेक्ट्रम की बुक पहले से पढ़ी हुई है कम से कम एक बार, तो इसको स्पेक्ट्रम में पढ़ सकते हो। अगर स्पेक्ट्रम बुक अभी तक आपने नहीं पढ़ी है, पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो, तो दोस्तों फिर यहाँ पे आप एस के पांडे सर की जो बुक आती है उसको आप चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ एक काम यहाँ पर और करना है आपको, वो है आपका घटना चक्र। देखिए जो आपके सारे सब्जेक्ट के हैं वो तो आपको सॉल्व करने करने हैं, घटना चक्र पूर्वलोकन, ठीक है, चाहे इतिहास का हो, ज्योग्राफी का हो, पॉलिटी का हो, इकोनॉमी का हो, किसी का हो, वो सारे यहाँ पर आपको सॉल्व करने हैं। फिर दोस्तों इसके बाद बात आपकी आती है भूगोल की, यहाँ पर आपका भारत का भूगोल भी आता है, विश्व का भूगोल भी आता है। तो देखिए दोस्तों या तो आप पढ़ सकते हो दोनों के लिए परीक्षावाणी, परीक्षावाणी जो बुक आपकी आती है भारत के भूगोल की अलग आती है, विश्व के भूगोल की आपकी अलग आती है, ठीक है। और अगर आपको परीक्षावाणी नहीं पढ़नी है तो फिर महेश वड़ासा की बुक आती है आपकी, उसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है, जिसमें आपका भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों इसमें आपका इंक्लूड रहेगा, तो इसको आप पढ़ सकते हो। और इसके साथ साथ एक आपको एटलस लेना है, किसी का ले सकते हो, ऑक्सफोर्ड का किसी का भी, तो वहाँ पर दोस्तों क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके एटलस बेस ही आते हैं प्री एग्जाम में, जैसे आपसे पूछ सकता है कि इसराइल की सीमा कौन कौन से देशों से लगती है। अब दोस्तों इतना याद करोगे तो याद तो आपको हो नहीं पाएगा, अगर आप मैप देखते रहते हो लगातार तो वहाँ से आप समझ सकते हो कि हाँ इसराइल की जो सीमा है कौन कौन से कंट्री से आपकी टच होती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया भूगोल में। अब इसके बाद आपकी बात आती है पॉलिटी की, यानी कि भारतीय राजव्यवस्था। अगर दोस्तों पहले से अगर आपने पॉलिटी पढ़ रखी, यानी कि अगर आपने एम लक्ष्मीकांत सर की बुक पढ़ रखी पहले से, तो अच्छी बात है। अगर आपने पहले से नहीं पढ़ी हुई है तो अब इस समय इस बुक को ना पढ़ें, क्योंकि तो बहुत मोटी बुक है आपकी, एक बार भी सही से कंप्लीट आपकी नहीं हो पाएगी बचे हुए समय में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर दोस्तों आप ले सकते हो परीक्षावाणी, उसको पढ़ लेना, उससे काम हो जाएगा, साथ में घटा तक से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसे पढ़ना, जैसे मानो जो चैप्टर आप पढ़ो परीक्षावाणी से, ठीक है, फिर उसी चैप्टर के आप एम्स को देखिए घटना के पूर्वलोकन में, ठीक है। इस तरह से आपको पढ़ाई करनी है किसी सब्जेक्ट के लिए। ये दोस्तों बात होगी आपकी राजव्यवस्था की। फिर आपकी बात आती है भारतीय अर्थव्यवस्था की, इसके लिए क्या करना है आपको, तो यहाँ पर दोस्तों एक बुक आती है आपकी पीढ़ी पर, यानी पितृतर्पण की आपकी बुक आती है अर्थव्यवस्था अधिकतांग, या तो उस बुक को आप पढ़ सकते हो। अगर वो बुक आपके पास नहीं है तो इसके लिए आप परीक्षावाणी है, इन दोनों कोई एक बुक आप इसको पढ़ सकते हो अच्छे से। और इसके साथ साथ दोस्तों एक काम और करना है आपको, एक बुक आपकी मार्केट में आती है आर्थिकी करके आती है घटना चक्र, वो भी आपको पढ़नी है, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारा डाटा मिल जाएगा जो कि आपको बुक में नहीं मिला, लेटेस्ट डाटा इसमें आपको मिल जाता है, तो इस बुक को आप पढ़ सकते हो। और इसके साथ साथ जो कि आपका बजट हो गया, आर्थिक समीक्षा, वो आपको कवर अच्छे से करनी है, यानी करंट अफेयर का पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपका अर्थव्यवस्था के लिए। फिर दोस्तों इसके बाद जो अगला टॉपिक आपका आता है अर्थव्यवस्था का, वो आपका आता है पर्यावरण। तो पर्यावरण कहाँ से पढ़ना है, तो इसके दोस्तों आपके पास परीक्षावाणी बुक होगी, उसको पढ़ लेना, वो आपके सफिशेंट है परीक्षावाणी, और साथ में घटना चक्र पूर्वावलोकन, ठीक है, पर्यावरण के लिए। फिर इसके बाद आपका आता है यहाँ पर सामान्य विज्ञान, जहाँ पर आपका जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान आपका, और आपका भौतिक विज्ञान आता है। तो इसके लिए दोस्तों आपकी बुक आती है लूसेंट की सामान्य विज्ञान, उस बुक को आप पढ़ सकते हो सामान्य विज्ञान को, लूसेंट की को, ठीक है। तो यानी सारी जानकारी दे दी कहाँ से क्या आप पढ़ना है। अब दोस्तों आपके आते हैं सी सेट वाले एग्जाम पर, कि सी सेट जो पेपर होता है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सी सेट देखिए दोस्तों आपको हिंदी आती है, हिंदी में क्या आता है, हिंदी की ग्रामर आपकी आती है, और साथ में आपको कुछ पैसेज भी आपके हिंदी के आते हैं, गद्यांश वगैरह भी, ठीक है। इसके लिए दोस्तों मार्केट में बहुत सारी बुक आपकी आती है, गद्यांश के लिए मुझे नहीं लगता है कि आपको अगर आप यूपी बोर्ड से पढ़े हुए हो तो आपको कोई गद्यांश की प्रैक्टिस करने जो होते हैं, जो हिंदी आती है वो आपको लूसेंट वगैरह से पढ़ सकते हो, विलोम शब्द पर्यायवाची हो गए, बाकी उसके एक शब्द वगैरह हो गए। फिर एक आपका आता है इसमें इंग्लिश आती है, तो उसके लिए भी जो बुक आपको अच्छा लगता हो किसी भी राइटर की बुक हो उसको आप पढ़ सकते हो, पैसेज के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं उनके लिए आप पढ़ सकते हो, ठीक है। नीतु में बुक पढ़ सकते हो, या कोई और हो आपके पास तो उसको भी पढ़ सकते हो। फिर दोस्तों इसमें आपका आता है इंटरपर्सनल स्किल्स, जहाँ पर बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी आपकी होती है, तो इसके दोस्तों मार्केट में बुक आती हैं, किसी भी एक बुक को, जहाँ घटना चक्र हो, अरिहंत की हो, किसी को लाकर थोड़ा प्रैक्टिस आप कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको 5 दिन होने को अगर आपका मैथ तैयार कर लेते हो अच्छे से और हिंदी तैयार कर लेते हो, तब भी सी सेट का एग्जाम आप पर निकल सकता है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि आपको मैथ के सारे क्वेश्चन अगर आपके सॉल्व नहीं हो पाए तो फिर आपकी दिक्कत हो सकती है। चौथा दोस्तों आपको इसमें आपका आता है डिसीजन मेकिंग वगैरह आपका आता है, तो उसके लिए कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है आपकी, ठीक है। ये आप क्वेश्चन आप कर लोगे, ये तो आपके वैसे ही कर सकते हो, ठीक है, माइंड से क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। फिर इसके अलावा जो आपका आता है यहाँ पर आपका मैथ आता है और आपका आता है रीजनिंग,
ठीक है, यानी 6-7 पार्ट आपके इसमें आते हैं। तो मैथ के लिए दोस्तों आपको एस के पांडे सर की बुक पढ़ सकते हो, सॉरी एस डी यादव की, एस डी यादव। और रीजनिंग के लिए लूसेंट हो, आर्यन, तो कोई बुक आप इसके लिए पढ़ सकते हो, ठीक है। ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके नहीं आते मैथ रीजनिंग से, नॉर्मल क्वेश्चन आपके आते हैं जो हो जाते हैं। जो मेन परेशानी आपकी होगी दोस्तों वो आपकी होगी इंटर पर्सनल स्किल में, तो इसलिए कोई बुक मार्क लगा पढ़ सकते हो। अगर सो आप लोग बोलो तो इसके नोट्स बनाकर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा आरओ के एग्जाम के बाद, ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो तो नीचे बताएं कमेंट करके। तो दोस्तों ये आपका हो गया सी सेट का। यहाँ पर कोशिश करिए दोस्तों 40-50 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करें, उसमें से 34-35 क्वेश्चन तो आपका आराम से सही इसमें हो जाएंगे, ठीक है। और जो जीएस का पेपर होता है उसमें कोशिश करें लगभग आपके 100 क्वेश्चन के आसपास आपके सही होने चाहिए नेगेटिव मार्क हटाने के बाद, जैसे कि आपका प्री एग्जाम क्लियर हो जाए। और आप कोशिश करिए अगर एग्जाम के प्रति सीरियस हो तो कम से कम 8 घंटे आपको डेली पढ़ाई करनी है, और अगर आपको टाइम मिले तो एक दिन में आप एक टेस्ट सीरीज आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो जीएस की, ठीक है। चाहे सी साइड करो मत करो, लेकिन जीएस की टेस्ट सीरीज आप सॉल्व कर सकते हो अगर चाहते हो तो। अगर दोस्तों इसके अलावा कोई मन में डाउट हो, सवाल हो, तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।